हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्स एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आई एम रचना तिवारी एंड आई एम अ केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इन लक्स एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अगर हम हाइड्रोकार्बन को देखें तो हाइड्रोकार्बन जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अपने डेली लाइफ में इसके कई एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी मींस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। तो ये सभी गैसेस हमारे डेली लाइफ में हम देखने को मिलते हैं। किचन में हमारे जो भी हम गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। तो ये सभी फ्यूल जो हैं ये नेचुरल गैसेस हैं एक्चुअली, और इन नेचुरल गैसेस को क्या है, लिक्विफिकेशन के थ्रू जो है इनको फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, और ये सभी हाइड्रोकार्बन्स के ही डेरिवेटिव हैं। पेट्रोल और डीजल की अगर देखें तो पेट्रोल और डीजल को जो है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू निकाला जाता है। जो भी हम कार यूज़ करते हैं, व्हीकल यूज़ करते हैं, उसमें पेट्रोल डीजल की यूज़ तो आम बात हो गई है। तो ये सभी भी क्या है, हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट हम देखें एलपीजी को, तो एलपीजी तो डोमेस्टिक फ्यूल है, और ये डोमेस्टिक फ्यूल कैसा डोमेस्टिक फ्यूल है, जो लीस्ट पोल्यूशन करता है। अगर हम घरों में चूल्हा वगैरह यूज़ करें तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो एलपीजी को डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज़ करने का कारण यह होता है कि ये क्या होता है, लीस्ट पॉल्यूशन करता है। इसके अलावा जो कैरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल है, वो भी डोमेस्टिक फ्यूल है, बट उसमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ऑटोमोबाइल्स कंपनी में देखें तो ऑटोमोबाइल्स कंपनी में भी हम सीएनजी, पेट्रोल, ये सभी क्या है, यूज़ होते हैं, लेस पॉल्यूशन करते हैं। तो ये सभी फ्यूल ऑयल जो है इनमें यूज़ होते हैं, जो कि हम मान सकते हैं मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, और जो कि एनर्जी को देता है जिससे हमारी गाड़ियाँ अच्छे से चलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और अदर एग्जांपल्स जो कि हाइड्रोकार्बन से हैं। हाइड्रोकार्बन जो है इसके अलावा, इन सभी के अलावा जो है वो पॉलीमर्स जैसे कि पॉलीथीन, प्रोपाइलीन, पॉलीस्टायरीन, ये सभी बनाने में भी यूज़ होते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स देखें, हायर हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की काफ़ी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, चेन होती हैं, उनका क्या यूज़ होता है, उनका यूज़ जो है वो जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें हम बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स देख रहे हैं। तो ये क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन है। इसका यूज़ क्या होता है, बहुत सारे ड्रग्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, बहुत सारे चीज़ों में इनका यूज़ होता है। तो इस तरह से हम क्या है, हाइड्रोकार्बन का यूज़ हमारी डेली लाइफ में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन केमिस्ट्री क्यों देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने से पहले हमको कार्बन केमिस्ट्री को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन केमिस्ट्री क्या है, कार्बन केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब कार्बन केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, जो कार्बन का एटम होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन फॉर्म करने की प्रॉपर्टी रखता है। कार्बन अगर देखोगे तो ये क्या होता है, एक दो बॉन्ड नहीं, बहुत सारे कार्बन की लंबी चेन हमको इस तरह से देखने को मिलती है, जिसमें असंख्य कार्बन क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को, मतलब कार्बन के लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन भी बोलते हैं। तो कैटेनेशन ही जो है वो बेस्ट रीजन होगा लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर फाउंड इन नेचर। क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, इसलिए हमारे नेचर में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट 96% कार्बन के कंपाउंड आज के डेट में देखने को मिलेंगे आपको।
नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के क्या क्या टाइप हैं? तो हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो उसके कार्बन कार्बन बॉन्डिंग पे डिपेंड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इनको मेनली थ्री कैटेगरीज़ में। तो फर्स्ट कैटेगरी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड लास्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो अगर हम कार्बन की वैलेंसी को देखें तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। मतलब कार्बन इस तरह से क्या है, चार वैलेंसी का मतलब उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और वो इस तरह से 4 बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। तो जब कार्बन जो है उसके चारों बॉन्ड अगर किसी दूसरे एलिमेंट से भरे हुए हों तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर, इस एग्जांपल में आप देखो ये कार्बन जो है ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये 4 हाइड्रोजन जो है उसके चारों बॉन्ड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? अगर जो कार्बन की वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड ना होकर डबल और ट्रिपल बॉन्ड से सैचुरेटेड होती है, सेटिस्फाइड होती है, तो उनको हम एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं और इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो इस और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन जो होते हैं उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में और ज़्यादा स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसमें कमेंट ज़रूर करें, और अगर कुछ क्वेरीज हों तो वो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।